हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? चलिए आज बनाते हैं व्रत के लिए आलू की सब्जी, जो कि झटपट बनके तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्रत के लिए ये आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 उबले हुए आलू, जिनका छिलका मैंने निकाल दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप दही। आप यहाँ पर ताज़ा दही भी ले सकते हैं, अगर खट्टा पसंद है तो पुराना दही भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले दही को हमें फेंट लेना है। अब इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी और हमारा छाछ बनके तैयार हो गया। अगर आपके पास छाछ रखी हुई है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसे रख देते हैं साइड में। अब एक पैन में लेना है 1 चम्मच घी। घी को हम गर्म करेंगे। अगर आप व्रत में तेल खाते हैं तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब घी गर्म हो जाएगा तो हम उसमें डाल देंगे जीरा। जीरा को अच्छे से चटकने देंगे। साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप व्रत में मिर्च नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अगर आप सूखी हुई लाल मिर्च डालते हैं, व्रत में खड़ी लाल मिर्च खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कुछ करी लीव्स, जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इसे पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ पर आलू को कट करके नहीं डाला है, उसे हाथ से ऐसे मैश करके डालेंगे, जिससे हमारी सब्ज़ी तैयार होने के बाद में अच्छी थिक बनेगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें फ्राई कर लेना है, लगभग 1 मिनट के लिए। अगर आपको इस तरीके से बड़े पीसेस कोई दिखाई दे रहे हैं तो आप उन्हें तोड़ सकते हैं। मेरे में भी मैंने जब मैश किया तो वो अच्छे से टुकड़े टूटे नहीं हैं, तो उन्हें मैंने बाद में ऐसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। अगर आप व्रत में गरम मसाला नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। आप देखें, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। आप चाहें तो इसे ऐसे ही ड्राई सब्जी की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसे ग्रेवी वाली बनाने वाले हैं तो इसके लिए हम इसमें डाल देंगे छाछ, जो कि हमने पहले फेंट के रखी हुई थी। तो इसमें डाल देते हैं। फ्लेम को हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे, जिससे ये फटे नहीं। अब जब तक इसमें उबाल ना आनी शुरू हो, यानी जब तक ये पकना शुरू ना हो, तब तक के लिए हमें इसे चलाना पड़ेगा, नहीं तो दही फट जाता है। तो आप देख सकते हैं ये साइड में पकना शुरू हो गया है, ये देखिए। तो इस टाइम पे हमें गैस को यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे भी रख देना है और इसे हम अभी पकाएंगे जब तक कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। इसमें डाल देंगे नमक। तो मैं यहाँ पर सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ। ये ठंडा होने के बाद में काफ़ी थिक हो जाएगा, लेकिन आपको फिर भी ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप इसे अभी बंद कर सकते हैं। मैं इसे समा के चावल के साथ सर्व करने वाली हूँ तो मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, इसलिए फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया। धनिया का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, तो आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी दही आलू की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं की है तो ये ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे व्रत वाले किसी भी पूरी पराठे के साथ या फिर समा के चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर व्रत नहीं भी है तो भी इसे बना के खा सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं खाना चाहते साथ में तो आप सिर्फ सब्ज़ी भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, जय माता दी।